नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कुवैत से रिलेटेड। भाई कुवैत के बता दूं आपको, पता ही है भाई, फ्लाइटें भी अभी नो चांस, वीजा नो चांस, लेकिन रोज मेरे पास वीजा आते रहते हैं कुवैत के बारे में। जी हाँ, लेकिन उनसे बात हो जाती है तो उनको समझ में स्टोरी आ जाती है। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कुवैत में 70% घरेलू जो जो कामगार थे, जो वर्कर थे, उनका वीजा एक्सपायर हो गए, कॉन्ट्रैक्ट उनके खत्म हो गए। जी हाँ, लेकिन यहाँ पे किन को फायदा हो रहा है? एजेंटों को, दलालों को बढ़िया तरीके से फायदा हो रहा है। डिटेल से बात करेंगे, वर्करों के जॉब चले गए लेकिन एजेंट लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं दलाली के तौर पे, वहां पे क्या गड़बड़ झाला कुवैत में वो लोग कर रहे हैं, ये न्यूज के माध्यम से निकल के जो बातें सामने आई हैं, और आपको भी पता लगेगा कि भाई एक वर्कर को किस तरह से वो ब्लैकमेल करके वहां से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। इसका रीजन क्या था? रीजन ये है कि भाई ऑफिसें बंद हो चुकी हैं, ट्रेवल एजेंसियां वगैरह जो जॉब प्रोवाइड करवाती थी, जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट उनका प्रोवाइड करवाती थी, उनका सिस्टम क्लोज हो गया। वीजा बंद होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ गई। ऊपर से सरकार ने 25 कंट्रियों को बैन कर दिया, जिसमें 23 अफ्रीकी हैं, एक इंडोनेशिया और एक भूटान है। तो इन वजह से घरेलू जो वर्कर हैं वो कहां से आएंगे? आपको पता ही है, इंडिया पाकिस्तान वगैरह फ्लाइट बंद है, तो बड़ी एक प्रॉब्लम कुवैत में चल रही है। इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पे पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज कुवैत से रिलेटेड सही रोज नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते। कुवैत से एक बड़ी न्यूज निकल के आ रही है कि भाई डोमेस्टिक वर्कर हैं, आपको पता है घरेलू जो नौकर हैं उनकी वहां पे डिमांड, तो आपको पता है कोरोना एक तरह से खत्म हो रहा है या फिर कैसे भी मान लीजिए, घरेलू वर्करों की जरूरत उनको पड़ती है क्योंकि बहुत तादाद में दुनिया अपनी अपनी कंट्रीज आई हुई थी। ठीक है, फ्लाइटें बंद होने की वजह से सबके वीजा खत्म हो गए, और खत्म हुआ बंद जिनके वीजा एक्सपायर हो गया, खामा वगैरह जो भी उनका कार्ड वगैरह बनता है, लेबर कार्ड, सब उनका खत्म हो गया, तो आप समझिए कि वो तो वहां नहीं जा सकता। सेकंड बात ये कि जिनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए वो वहां दोबारा जाना नहीं चाहते, और वही वो प्रॉब्लम में मतलब वीजा नहीं मिल पा रहे हैं, एक रीजन ये हो गया सबसे बड़ा। आपको पता है कुवैत में तो वर्कर चाहिए होते हैं, वहां के लोकल अरबी हैं, लोकल रबाब वगैरह कंपनी में, ऑफिसों में, या फिर एक्सवाइजेड जितने भी डोमेस्टिक वर्कर है उनकी जरूरत उनको पड़ती है, लेकिन अब वो आदमी कहां से? इसलिए एक सिस्टम अपना रखा है, भर्ती एजेंसी जो बंद हो चुकी है उनकी वजह से वहां के जो एजेंट हैं, जो दलाल हैं, वो इसमें एक्टिव हो चुके हैं। वो क्या करते हैं, सिस्टम कर रखा है कि वो कांटेक्ट करते हैं कि भाई किन को लोगों को होम डोमेस्टिक वर्कर की जरूरत है, घरेलू कामगार की, वो उनसे कांटेक्ट करते हैं, वो उनसे सेटिंग कर लेते हैं कि भाई कितने घंटे वर्कर चाहिए तेरे को, 4 घंटे पर कैंडिडेट, आपका 1 घंटे का इतना लगेगा, कितना 25 KD, जितना 25 KD एवरेज मान लेते हैं, ठीक है 25 KD मिलेगा, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, उनकी बात हो गई। वो फिर क्या करते हैं, किसी वर्कर को पकड़ते हैं और उनके पास भेज देते हैं, 25 KD में से एक बंदे को 10 KD मिलता है, बाकी 15 KD जो वो दलाल है वो खा जाते हैं। ऐसा सिस्टम कुवैत में चल रहा है। एवरेज अगर देखा जाए तो 250 कुवैती दिनार एक वहां पे एक डोमेस्टिक वर्कर पे वहां का जो मालिक है वो खर्च कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, वर्कर के पास तो इतना पैसा नहीं पहुंचता, दलालों के मजे बन रहे हैं, अच्छा पैसा वो इस टाइम कमा रहे हैं। इसका रीजन वाइज सीधा सा है, फ्लाइटें बंद है, वीजा बंद होने की वजह से कुवैत ने बहुत सारी कंट्रीज को बैन कर रखा है, 23 तो अफ्रीकी कंट्री है, सबको बैन कर दिया, बाकी इंडोनेशिया भूटान बैन कर दिया, 2019 में भी काफी कंट्रियों को कुवैत ने बैन कर दिया था, इथोपिया, बुर्किनो पासो, भूटान, गिन्नी बिसाउ, इन कंट्रीज को 2019 में भी कुवैत सरकार ने बैन कर दिया था। तो इस वजह से ये जोरदार चल रहा है। तो बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, जैसे वीजा ओपन होते हैं तो आपके लिए अच्छी न्यूज आने वाली है। चैनल सब्सक्राइब करके रखे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।